हाँ तो बच्चों, जैसा कि हम लोग अपनी कंप्यूटर नेटवर्क जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें हम लोग थर्ड यूनिट में चल रहे हैं, यानी इस समय हम लोग थर्ड यूनिट अपना पढ़ रहे हैं। और जैसा कि हम लोगों ने OSI मॉडल के बारे में हम लोग जानते हैं कि 7 लेयर होती है OSI मॉडल में, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल में, जिसमें पहली आपकी फिजिकल लेयर है, दूसरी आपकी डाटा लिंक लेयर है, तीसरी आपकी नेटवर्क लेयर है, चौथी लेयर आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर है, फिफ्थ लेयर आपकी सेशन लेयर है, सिक्स्थ लेयर आपकी प्रेजेंटेशन लेयर है, और सेवेंथ लेयर आपकी एप्लीकेशन लेयर है। हम लोगों ने अभी तक पहली यूनिट में, दूसरी यूनिट और तीसरी यूनिट, ये तीनों के तीनों यूनिट OSI जो लेयर हमने आपको बताए थे उसी के स्टार्टिंग के 3 लेयर के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि अगर हम फर्स्ट यूनिट की बात करें तो वो फिजिकल लेयर के ऊपर बेस्ड थी, जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम कौन कौन सी नेटवर्क डिवाइसेस का यूज करते हैं, कौन कौन से मीडियम के थ्रू हम उनको आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं, जैसे कि राउटर, स्विचेस, हब, ये सारी डिवाइसेस थी। गाइडेड अनगाइडेड मीडियम, दो मीडियम थे, गाइडेड मीडियम मतलब कि वायरलेस मीडियम और अनगाइडेड मीडियम मतलब कि वायर्ड मीडियम, सॉरी गाइडेड मीडियम मतलब वायर्ड मीडियम जिसमें वायर का यूज किया जाता है, और अनगाइडेड मीडियम वो मीडियम है जिसमें वायर का यूज नहीं किया जाता, जिसको हम वायरलेस कहते हैं। इसी तरीके से जब हम सेकेंड यूनिट पे आए थे तो सेकेंड यूनिट हमारी डाटा लिंक लेयर के ऊपर बेस्ड थी, जिसमें मैंने आपको बताया था, जो कि OSI मॉडल में सेकेंड लेयर है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपका डाटा लिंक लेयर है वो दो सब लेयर के ऊपर बेस्ड होता है। वो दो सब लेयर कौन कौन सी थी? एक आपकी LLC थी, यानी कि लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर, और दूसरा आपका MAC लेयर, यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर, जिसमें से LLC का काम क्या था? एरर को कंट्रोल करना, फ्लो को कंट्रोल करना, और बिट को फ्रेम के फॉर्म में कन्वर्ट करना। हम लोगों ने बहुत सारी मैकेनिज्म देखी एरर को कंट्रोल करने के लिए और फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। और मैक जो हमारी एक लेयर है उसका काम क्या है कि वो किसी भी डिवाइस को पर्टिकुलर नेटवर्क में एक्सेस प्रोवाइड करता है कि वो उस पर्टिकुलर नेटवर्क में डाटा को सेंड कर सके या रिसीव कर सके। नाउ प्रेजेंट टाइम में हम लोग अपनी थर्ड यूनिट यानी कि OSI मॉडल की थर्ड लेयर नेटवर्क लेयर के ऊपर है, जिसे हम बैकबोन भी कहते हैं अपने कंप्यूटर नेटवर्क का। बैकबोन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट लेयर है। वैसे लेयर तो इंपॉर्टेंट सारी है, लेकिन इसका एक उन सारी लेयर में एक अपना एक समझ लीजिए कि एक की रोल है जो कि ये परफॉर्म करता है। इसके दो काम है मोस्टली स्विचिंग एंड राउटिंग के। स्विचिंग का मतलब क्या है कि मैसेज को पैकेट के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको सेंड करना, और राउटिंग का काम क्या है कि रूट प्रोवाइड करना, यानी कि कौन सा, अगर नंबर ऑफ 10 पाथ पर्टिकुलर किसी एक डेस्टिनेशन के लिए है तो कौन सा ऑप्टिमल पाथ होगा जिसके थ्रू पैकेट तेजी से विदाउट लॉस डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता है। ये जो रूट फाइंड करने का जो ये क्या कहते हैं कि जो टेक्निक है, ये एक स्पेसिफिक डिवाइस यानी के थ्रू परफॉर्म की जाती है, जिसको हम राउटर कहते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने अभी तक थर्ड यूनिट में कई सारे प्रोटोकॉल्स देखे, ICMP प्रोटोकॉल, TCP/IP प्रोटोकॉल, ARP प्रोटोकॉल, और हमने देखा कि कैसे कैसे सबका अपना अपना रोल है। जैसे कि IP प्रोटोकॉल का काम क्या है कि पैकेट को डेस्टिनेशन तक ट्रेवल कराना, डिलीवर करना। TCP का काम क्या है कि पैकेट को डेस्टिनेशन एंड पे सही फॉर्मेट में रीअरेंज करना। ARP का काम क्या है? IP एड्रेस से MAC एड्रेस को मैप करना। और ICMP का काम क्या है कि IP प्रोटोकॉल में कुछ डिमेरिट्स थे, यानी कि वो एरर कंट्रोल, एरर रिपोर्टिंग मैसेजेस जनरेट नहीं करता था और उसके अंदर कोई भी क्वेरी मैकेनिज्म नहीं थी, तो जिसको फुलफिल करने के लिए ICMP को डिज़ाइन किया गया था। और इन सारे प्रोटोकॉल्स के बारे में डिटेल्स में मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया है। नाउ आज हमने अपने अभी लास्ट लेक्चर में हम लोग IP एड्रेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि IP एड्रेस क्या होता है और ये किस तरीके से वर्क करता है। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं ओवरव्यू बता दूं फिर हम आगे चलते हैं। तो जैसा पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि क्या डेफिनेशन में लिखा हुआ था कि एड्रेसिंग
जो है वो दो टाइप की होती है, एक आपकी फिजिकल एड्रेसिंग होती है और एक आपकी लॉजिकल एड्रेसिंग होती है। और जो आईपी एड्रेस है ये एक यूनिक एड्रेस है जिससे कि इतने बड़े नेटवर्क में, जिसको हम इंटरनेट कह रहे हैं, किसी भी स्पेसिफिक डिवाइस को फाइंड आउट कर सके। ठीक है, तो जैसा कि देखिए यहाँ लिखा भी हुआ था कि एन आईपी एड्रेस और सिंपली एन आईपी इज अ यूनिक एड्रेस दैट आइडेंटिफाइज अ डिवाइस ऑन द इंटरनेट और अ लोकल नेटवर्क। इट अलाउ अ सिस्टम टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय अदर सिस्टम कनेक्टेड वाया द इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि आईपी प्रोटोकॉल। इस फिगर को देख के चीजें क्लियर हो जाती हैं। एक सेकेंड, इस फिगर में जैसा कि देखिए एक आपका एड्रेसिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक आपका फिजिकल एड्रेसिंग है और एक आपका लॉजिकल एड्रेसिंग है। तो अगर फिजिकल एड्रेसिंग की बात करें यानी मैक एड्रेस, और लॉजिकल एड्रेस की बात करें तो यानी कि आईपी एड्रेस, और आईपी एड्रेस भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक आपका आईपी वर्जन 4 और दूसरा आपका आईपी वर्जन 6। ठीक है ना, मैक एड्रेस के बारे में मैंने आपको बताया कि ये फिक्स होता है, डिवाइस जब मैन्युफैक्चर होती है उसी समय सबका मैक एड्रेस उसके ऊपर एड्रेस किया जाता है। और लॉजिकल आईपी एड्रेस जो है वो अकॉर्डिंग टू नीड हम अपना चेंज कर सकते हैं, यानी कि आज अगर हम कोई आईपी एड्रेस यूज कर रहे हैं तो कल हम दूसरा आईपी एड्रेस भी अपने सिस्टम में डाल के यूज कर सकते हैं, ये कोई फिक्स नहीं है। लेकिन हाँ, ये नेसेसरी है कि आप कोई ना कोई आईपी एड्रेस जरूर डालें। ठीक है, हमारे चैप्टर में हम लोगों ने आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 के बारे में अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा है, और इनके पैकेट के हेडर के फॉर्मेट के बारे में भी हम लोगों ने देखा है। हमारे सब्जेक्ट में मैंने आपको बताया था कि हम लोग आईपी वर्जन 4 को डिस्कस करेंगे, और आईपी वर्जन 4 की बात करें तो इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक आपका पब्लिक आईपी और एक आपका प्राइवेट आईपी। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक मैंने आपको बताया था, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं था। उसके बाद से कुछ की पॉइंट्स थे, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि आईपी वर्जन 4 जो है उसका साइज होता है 132 बिट का, ये 4 ऑक्टेट में होते हैं, इनका रेंज 0 से 255 तक होता है। ठीक है ना, और आईपी एड्रेस जो है वो नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी से मिलके बना हुआ है। ठीक है, यानी कि जो मैंने बताया था आपका 32 बिट का क्यों होता है, क्योंकि 4 ऑक्टेट होते हैं। ऑक्टेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक ऑक्टेट में 8 बिट होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो है आपके 4 ऑक्टेट है, ऑक्टेट इसलिए क्योंकि एक ऑक्टेट में 8 बिट है, और इसको ऐसे काउंट करें तो 4 होता है, और किसी एक को आप डेसिमल में अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आपकी 255 आएगी। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया था कि जीरो से रेंज इसकी 0 से 255 के बीच में होती है। ठीक है ना, ये एक आईपी एड्रेस है जिसके बारे में बताया गया है। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि एक आईपी एड्रेस जो है वो नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी दोनों को मिला के बनता है। ठीक है, तो यहां तक हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। अब कुछ और आईपी को थोड़ा सा और डिटेल में समझने के लिए हमें इस चार्ट को देखना होगा, और इस चार्ट के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आईपी एड्रेस का हिसाब किताब क्या है। तो दोस्तों जैसा कि देखिए आईपी एड्रेस यानी कि आईपी वर्जन में 4 की बात कर रहा हूं, आईपी वर्जन में 4 की बात कर रहा हूं, तो इसमें नंबर ऑफ 5 क्लास में इसको डिवाइड किया गया है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई, नंबर ऑफ 5 क्लासेस में। मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो
हम लोग जो क्लास यूज करते हैं वो यूज करते हैं नॉर्मली जो पब्लिक के लिए खुला हुआ है वो है क्लास ए बी और सी, यानी कि तीन क्लासेस का यूज हम करते हैं चेक करने के लिए, मतलब पब्लिक यूज कर सकता है उसको या कोई ऑर्गेनाइजेशन यूज कर सकता है। बाकी जो ये आपका डी और ई, ये दो क्लास है ये रिजर्व है, जैसा कि डी को आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा होगा कि रिजर्व फॉर मल्टी क्लास्टिंग। अरे यार हाँ, रिजर्व फॉर मल्टीकास्टिंग। और ई क्लास को जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सपेरिमेंटल यूज फॉर रिसर्च। तो इन दो प्रोटोकॉल्स का यूज हम नहीं कर रहे होते हैं। तो ये जो दो आईपीज हैं यानी कि ये जो रिजर्व डी और ई, इनका यूज हम नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि फर्स्ट डेसिमल ऑक्टेट, फर्स्ट ऑक्टेट डेसिमल, फर्स्ट ऑक्टेट डेसिमल का मतलब क्या है। जैसे कि अगर हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि कौन सा आईपी किस क्लास में आता है, ठीक है ना, तो इसको हम जैसे कि ये जो हमने आपको बताया ना चार ऑक्टेट होते हैं, एक दो तीन चार, ये चार ऑक्टेट होते हैं। तो जो पहले वाला ऑक्टेट है इसकी रेंज को हम देख के ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये पर्टिकुलर आईपी ए क्लास का है, बी क्लास का है या फिर सी क्लास का है। इस फर्स्ट ऑक्टेट को जैसा कि यहाँ 127 लिखा हुआ है, 0.255.255.255, तो इस 127 को देख के हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये आईपी किस क्लास की है। ठीक है, तो जैसे कि देखिए जो ए क्लास की आईपी का जो फर्स्ट ऑक्टेट का जो डेसिमल है, यहाँ लिखा है ना फर्स्ट ऑक्टेट डेसिमल, तो अगर उसकी रेंज 1 से 126 तक है तो मतलब वो क्या है, क्लास ए की आईपी। अगर वो 128 से 191 तक है तो मतलब क्या है, क्लास बी क्लास की आईपी। अगर वन ट्वेंटी एट से 191 तक है तो इसका मतलब ये बी क्लास की आईपी है। इसी तरीके से 192 से अगर ये 223 तक है तो मतलब ये सी क्लास की आईपी है। ठीक है, तो ये रेंज है। जब भी आप आईपी, अगर आपको कोई आईपी दी हो तो आप सबसे पहले उसके फर्स्ट ऑक्टेट को देखिए कि क्या वो फर्स्ट फर्स्ट ऑक्टेट इसमें इसमें या इसमें तीनों में से किससे मैच कर रहा है या किसके बीच में लाई कर रहा है। तो आप आंख बंद करके ये समझ सकते हैं कि ये पर्टिकुलर आईपी उस क्लास की है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद से दूसरी चीज क्या है कि फर्स्ट ऑक्टेट हायर ऑर्डर बिट, कि फर्स्ट ऑक्टेट में हायर ऑर्डर बिट कितनी होती है। तो आपको मैं बता दूं कि जो ए क्लास की, देखिए ये चीज आप तब समझेंगे जब आप आगे एक न्यूमेरिकल लगाएंगे तब तो आपको ये चीज समझ में आएगी। फिलहाल आप इसको आप ध्यान में रख लीजिए कि जो ए क्लास की आईपी होती है उसमें फर्स्ट जो बिट होती है वो क्या होती है, जीरो। ठीक है ना, यानी जो पहले जो ये फर्स्ट ऑक्टेट है उसकी जो बिट है वो जीरो है, यानी कि आप ऐसे कहिए जीरो जीरो, जो एट की एट बिट है वो क्या है आपकी, जीरो। ठीक है ना, अगर आप बी क्लास की बात करेंगे तो इसकी जो एट में से पीछे की दो आईपी है वो 01 है, उसके बाद से बाकी जो सारे हैं वो जीरो है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं कि यहाँ पे ये भी क्या है, ये जो आठ है तो यहाँ चार दिख रहा है ना, लेकिन ये भी एक्चुअल में है आठ, लेकिन नेट हमें पता है कि नेटवर्क और होस्ट दोनों चीजें होती हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे केवल 4 बिट में चेंज किया गया है। ठीक है, बहरहाल इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको पहले बता दूं कि आगे जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो इस चीज को समझेंगे कि ये क्या है। आप बस अपने दिमाग में अभी इतना बैठा लीजिए कि फर्स्ट ऑक्टेट हायर ऑर्डर बिट की अगर हम बात करें तो क्लास ए की हायर ऑर्डर बिट 0 होती है, क्लास बी की हायर ऑर्डर बिट 0 1 होती है, क्लास सी की हायर ऑर्डर बिट जो है वो 0 1 1 होती है, क्लास डी की जो हायर ऑर्डर बिट है वो 0 1 1 1 होती है,
और क्लास ई की जो हायर ऑर्डर बिट है वो 11111 होती है, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए हायर ऑर्डर बिट ऑफ क्लास ए तो आप 0 लिखेंगे, हायर ऑर्डर बिट ऑफ क्लास बी तो आप 01 लिखेंगे, और हायर ऑर्डर ऑफ क्लास सी तो आप मतलब बिट तो आप लिखेंगे 011, ठीक है। आगे जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो इसके बारे में आपको और ज्यादा समझ में आएगा कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, लेकिन बहरहाल अभी आप लोग इसको अपने दिमाग में रखिएगा, याद रखिएगा कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब बात आती है बच्चों, ये तीन चीज तो समझ में आ गई होगी आपको, क्लास ए क्लास बी क्लास सी क्लास डी क्लास ई, ये उसकी रेंज के बारे में और प्लस ये हायर बिट के बारे में। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था और ऊपर हमने देखा भी कि जो आपका आईपी एड्रेस होता है वो नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी से मिलके बना होता है। किससे बना होता है? नेटवर्क आईडी से और होस्ट आईडी से, ठीक है ना। तो क्लास ए में जो आपकी नेटवर्क आईडी है वो पहला ऑक्टेट जो है वो नेटवर्क आईडी के लिए होता है और बाकी का 3 ऑक्टेट जो है वो होस्ट आईडी के लिए होता है। क्लास बी की बात करें, पहला नेटवर्क के लिए होता है क्लास ए में और बाकी जो 3 है वो किसके लिए यूज होते हैं? होस्ट के लिए। इसी तरीके से क्लास बी की बात करें तो 2 जो है वो नेटवर्क के लिए होता है और बाकी 2 जो है वो होस्ट के लिए होता है। इसी तरीके से बात करें सी की तो इसमें जो 3 है वो होस्ट के लिए होते हैं, स्टार्टिंग के 3 जो ऑक्टेट है वो नेटवर्क के लिए यूज होते हैं और 1 लास्ट जो है ये होस्ट के लिए यूज होता है, ठीक है। याद रखिएगा ये चीज हमेशा कि क्लास ए में पहला ऑक्टेट जो है वो नेटवर्क के लिए होता है, बाकी 3 ऑक्टेट होस्ट के लिए होते हैं। क्लास बी में पहले 2 ऑक्टेट जो होते हैं वो नेटवर्क के लिए होते हैं और लास्ट के 2 ऑक्टेट जो होते हैं वो होस्ट के लिए होते हैं। क्लास सी में स्टार्टिंग के 3 ऑक्टेट जो है वो नेटवर्क के लिए होते हैं और लास्ट ऑक्टेट जो है वो आपका होस्ट के लिए होता है, ठीक है। अब इसी के थ्रू हम डिफॉल्ट सबनेट मास्क भी देख सकते हैं कि डिफॉल्ट सबनेट मास्क में क्या होता है कि जो पहला जो भी नेटवर्क आईडी है उसको हम उसकी नंबर ऑफ सारी बिट को हम 1 रखते हैं। क्या रखते हैं? 1 रखते हैं। तो 1 रखने पे हमें पता है जब हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू क्या आती है? 255। क्या आती है? 255, ठीक है ना। तो अगर 1 रखने पे हमें अगर ये सारी वैल्यू 255 मिल रही है, ठीक है ना, तो हम आंख बंद करके हम समझ रहे हैं कि अगर यहाँ पे 1 नेटवर्क आईडी है और बाकी होस्ट आईडी है तो जो नेटवर्क आईडी है उसका सबनेट मास्क क्या होगा? 255। अगर जैसे कि हम लोग को पता है ना कि हम लोग जब सिस्टम में आईपी भरते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपने जैसे ही आप आईपी एड्रेस भरेंगे 192.168.1.0, सपोज कीजिए कि आपने ये आईपी भरी अपने सिस्टम में, तो उसके बाद से डिफॉल्ट सबनेट मास्क पूछता है, उसके नीचे एंटर करना होता है। लेकिन आप जैसे ही डिफॉल्ट सबनेट आईपी भर के एंटर करते हैं तो नीचे जो है उसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क जो है वो ऑटोमेटिकली वो ले लेता है। क्यों? क्योंकि हर आईपी का जो सबनेट मास्क है वो पहले से डिफाइन है, और वो इसलिए डिफाइन है क्योंकि हमें पता है कि जो आईपी एड्रेस है वो जिस क्लास में लाई कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ये देखा जाता है कि उसमें कितने होस्ट हैं और कितने नेटवर्क आईडी हैं, ठीक है ना। तो हमें जब पता है कि क्लास ए में नेटवर्क आईडी आपकी 1 है तो इसका मतलब क्या है? जो पहले ऑक्टेट की वैल्यू होगी डिफॉल्ट सबनेट मास्क में वो 255 होगी, बाकी सब 0 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम क्लास बी की बात करें और हमें पता है कि हमारी क्लास बी में 2 ऑक्टेट जो है वो नेटवर्क के लिए है और 2 ऑक्टेट होस्ट के लिए है, तो जो नेटवर्क होती है वो भी हमेशा 1 होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा डिफॉल्ट सबनेट मास्क जो होगा वो 255.255 हो जाएगा .0.0। और इसी तरीके से अगर हम बात करें नेटवर्क आईडी की क्लास सी की, तो हमें पता है कि इसमें 3 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए होते हैं यानी NNN.H होता है, तो इसलिए हमारे स्टार्टिंग के जो 3 ऑक्टेट है वो 255.255.255 हो जाएंगे और लास्ट वाला आपका 0 हो जाएगा। इसीलिए आप जब भी आईपी देंगे, अगर आप 1 से 126 के रेंज के बीच की आईपी देंगे तो वो उसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली ये वाला ले लेगा। अगर आप
क्लास बी के रेंज की आईपी देंगे तो वो ऑटोमेटिक कंप्यूटर उसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क ये ले लेगा, और अगर आप क्लास सी रेंज की आईपी दे रहे हैं तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक ये डिफॉल्ट सबनेट मास्क अपना ले लेगा। आप कभी भी अपने सिस्टम में ये आईपी एड्रेस डालिएगा और इंटर करिएगा तो आप देखेंगे कि डिफॉल्ट सबनेट मास्क जो है वो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उठा लिया। ठीक है, अब ये चीज अगर आपको समझ में आ गई, ठीक है, सॉरी, अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है तो बस यहां पे एक क्वेश्चन और पुट अप होता है कि सर 127 ये किस रेंज में आएगा? क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये 126 तक गया है और ये 128 से स्टार्ट है, यानी बीच में 127 वाली रेंज आपकी गायब है। तो मैं आपको बता दूं, अगर हम 127 की बात करें तो ये 127 भी आएगा आपका क्लास ए में ही, 127 वाली जो रेंज है वो भी आपका क्लास ए में ही आएगा, लेकिन हम इस रेंज को यूज नहीं करते हैं, हम क्लास ए में केवल 1 से 126 तक की ही रेंज को यूज करते हैं। ये जो आपका 127 वाला जो एक रेंज छोड़ा गया है ये नेटवर्क के डायग्नोसिस के लिए छोड़ा गया है, इससे हम नेटवर्क को चेक करते हैं कि जो पर्टिकुलर हमारा नेटवर्क है वो सही है कि नहीं है या उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि देखिए मैंने क्या कहा कि जो हमारा 127 वाला जो रेंज है ये आता तो क्लास ए के ही अंदर है, लेकिन इसको हम यूज नहीं करते, यूजर जो यूज करते हैं वो 1 से लेके 126 तक की ही रेंज को यूज कर सकते हैं। जो 127 वाला जो एक रेंज है ये यूज होता है किसके लिए? आपके नेटवर्क को ट्रबल शूट करने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए, चेक करने के लिए। ठीक है, तो जैसा कि देखिए यहाँ नोट में लिखा हुआ है कि क्लास ए एड्रेस 127.0.0.0 to 127.255.255.255 है, ठीक है ना, यहां तक की जो ये जो रेंज है जैसे लिखा हुआ है कैन नॉट बी यूज्ड एंड इज रिजर्व फॉर लूप बैक एंड डायग्नोस्टिक फंक्शंस। यानी कि क्लास ए में जो 127.0.0.0 से लेके 127.255.255.255 तक की जो रेंज है ये रिजर्व, इसको हम यूज नहीं करते हैं, इसको रिजर्व रखा गया है लूप बैक के लिए एंड डायग्नोस्टिक फंक्शन के लिए। ठीक है ना, मोस्टली वी वर्क इन प्राइवेट नेटवर्क, मोस्टली हम प्राइवेट नेटवर्क को चेक करने में, डायग्नोसिस करने में इस पर्टिकुलर क्लास के जो 127 वाली रेंज है इसका यूज करते हैं। ठीक है ना, और इसका एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है बच्चों वो मैं आपको बता दूं, जैसा देखिए यहां पर लिखा है लूप बैक एड्रेस यूज फॉर पीसी एन आईसी ओके और नॉट। जैसे कि ये जो लूप बैक एड्रेस है उसमें एक आईपी है वो ये चेक करने के लिए यूज होती है कि आपके पीसी का जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है वो सही है कि नहीं सही है। तो अगर आपको अपने सिस्टम का नेटवर्क इंटरफेस कार्ड चेक करना है कि वो करेक्ट है, उससे रिप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप सिंपली अपने कंप्यूटर में इस आईपी को पिंग कराइए, यानी कि पिंग 172.0.0.1। जैसे ही आप इसको पिंग कराएंगे आपको, और यहाँ पे जब लिखिएगा, देखिए जो नीचे आपका जो ये सर्च वाला पार्ट है टाइप ऑफ सर्च में, टाइप ऑफ सर्च में आप ऐसे लिखिएगा पिंग, ये आपकी ये आईपी रख दीजिएगा 227 और इसके आगे लिख दीजिएगा -t लिख के, और आप जैसे ही इंटर दबाएंगे, जैसे ही आप इंटर दबाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको रिप्लाई आ रहा है। मोस्टली रिप्लाई तब आता है जब हम अपने कंप्यूटर को किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ जोड़ते हैं और दूसरे कंप्यूटर को जब हम पिंग कराते हैं तब हम ये चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम खुद अपने डिवाइस के अंदर जो चीजें, जो इक्विपमेंट्स हैं, जो कार्ड हमने लगाए हैं उनको अगर चेक करना है कि क्या वो प्रॉपर है कि नहीं प्रॉपर है, तो आपको जैसे कि एनआईसी का मैंने एग्जाम्पल दिया कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हर कंप्यूटर में होता है,
तो अगर आपको अपने एनआईसी को चेक करना है कि वो करेक्ट है, प्रॉपर है कि नहीं प्रॉपर है, तो आप सिंपल अपने लैपटॉप में, अपने पीसी में ये आईपी लिख के डैश की करके इंटर मारेंगे। अगर आपको रिप्लाई मिल रहा है तो इसका मतलब है कि आपका एनआईसी यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड करेक्ट है, और अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, रिप्लाई नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका एनआईसी खराब है। ये चाहे तो आप लोग चेक करके देख सकते हैं अपने सिस्टम पे, ठीक है ना। ये आपके एनआईसी को चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है ना। ना आपको लैपटॉप खोलना पड़ेगा, ना कुछ करना पड़ेगा, और आप इस कमांड के थ्रू ये चेक कर सकते हैं कि आपके एनआईसी सही वर्क कर रहा है कि नहीं वर्क कर रहा है, ठीक है। अभी बाद में आप लोग चेक करके देख लीजिएगा। दूसरी चीज, एक क्वेश्चन है जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉलोइंग गिवन आईपी विच क्लास, क्लास ए क्लास सी। तो इस केस में सिंपली आपको पता है कि हमें क्या देखना है कि ये किस क्लास से बिलोंग कर रहा है। तो हमें केवल इसकी पहली रेंज को देखनी है, पहली रेंज जिसमें लाई करेगा। जैसे ये 123 है, तो हमें पता है कि जो पहली रेंज थी वो 1 से लेके 126 तक था, इसीलिए हम इसको क्लास ए कह रहे हैं। और हमारी जो दूसरी रेंज है, ये जो 193 है, तो हमें पता है कि जो हमारा सी क्लास की आईपी है वो 191 से लेके जो आगे तक यूज होता है। तो यानी कि ये जो 193 है, ये किस में आ रहा है, क्लास सी में, ठीक है ना। तो ये एक सिंपल तरीका है जिसके थ्रू आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जैसे देखिए ये 192 से लेके 223 तक है, ये 1 से लेके 126 तक है। तो आप ये देख के ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पर्टिकुलर जो ये आपका सिस्टम है ये 123 है, यानी कि ये क्लास ए में आएगा। ये 193 है, यानी कि ये क्लास सी में आएगा, ठीक है ना। तो आपको जब ये पता होगा कि आपके चार्ट में जो ए बी सी का रेंज क्या है, जब आपको पता होगा तो उस रेंज के अकॉर्डिंग आप क्लास को भी डिफाइन कर लेंगे। और अगर आप क्लास डिफाइन कर लेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर क्लास में कितनी नेटवर्क आईडी है और कितनी ऑक्टेट होस्ट आईडी के लिए रिजर्व किए गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो आज मैंने आपको बताया है वो सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। हम कल के लेक्चर में आगे बढ़ेंगे और इसी आईपी के ऊपर और सारे न्यूमेरिकल देखेंगे, और देखेंगे कि कैसे हम इन चीजों को मैनेज करते हैं या कैसे हम इन चीजों को मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो एक चीज याद रखिएगा बच्चों, आईपी में मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसमें बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं है। इसके न्यूमेरिकल जो है वो क्या है कि एक तरीके से कहें कि लॉजिकल न्यूमेरिकल है। आपको ये चीजें समझ में आएंगी तो आप आसानी से चीजों को फाइंड आउट कर लेंगे। इसलिए जो मैंने आपको चार्ट बताया है, उस चार्ट को अपने दिमाग में रखिएगा, और उस चार्ट को अगर आप भूल गए तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी नेटवर्क आईडी फाइंड करने में, क्लास आईडी होस्ट आईडी फाइंड करने में, या फिर किस क्लास की आईपी है ये आइडेंटिफाई करने में। तो ये सारी चीजें बच्चों आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा, और उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना जो है आगे का काम करिएगा। लेकिन एक चीज बस याद रखे, ये जो चार्ट मैंने जो अभी आपको ऊपर बताया है, इस चार्ट को आप लोग अपने माइंड में अच्छे से रख लीजिएगा और इसको भूलिएगा मत आप लोग, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं आप लोगों से एक बात कहता हूं